गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला को साफ साफ लिखना सीखेंगे। साफ सुथरी लिखाई आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। हम साफ साफ लिखाई के साथ साथ पढ़ने का भी बहुत ही सरल तरीके से अभ्यास करेंगे। 5 मिनट की वीडियो हम रोज़ बनाएंगे, जो आपको घर बैठे बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। रोज़ नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएँ। ये मुझे और बेहतर करने का हौसला देंगे, जिससे मैं नई वीडियो बना सकूँगा। लाइक और शेयर जरूर करें। साफ लिखाई के लिए आपको अंग्रेजी की 4 लाइनों इस तरीके की या हिंदी की 5 लाइनों वाली कॉपी का प्रयोग करना होगा। इससे आप एक सप्ताह में साफ साफ लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, हिंदी लिखने के लिए हमें अंग्रेजी को कॉपी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको आप देख रहे होंगे कि हमने ऊपर के 2 बॉक्स का प्रयोग करा है, जिसमें हम हिंदी की लिखाई इससे बहुत ही साफ करते हैं। बच्चे जब इसमें अभ्यास करते हैं तो उनका हाथ एक निश्चित जगह पर रुकना शुरू हो जाता है, और जिससे उनकी राइटिंग साफ हो जाती है। जैसे हम आ लिखेंगे, आ को हम यहाँ पे हम 2 हिस्सों में जैसे हम आ लिखेंगे आ को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। जैसे एक ये और दूसरा ये, हमने ये लिख दिया आ, आ से अनार। फिर आ को भी ऐसे लिखेंगे, इसे भी हम 2 हिस्से में करेंगे। एक हिस्सा हमने ऊपर के बॉक्स में कर दिया और एक हिस्सा नीचे के बॉक्स में कर दिया आ। फिर ऐसे ही छोटी ई के भी हम 2 हिस्से करेंगे। पहले इतना कर देंगे, जब दूसरा गोला बनाएंगे ऐसे छोटी ई, फिर ऐसे ही बड़ी ई। छोटे ऊ के भी हम 2 हिस्से कर देंगे, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये छोटा हो। ऐसे ही बड़े हो को भी हम 2 हिस्से कर देंगे, बड़ा हो। फिर री से तीसरे के लिए हम बीच की लाइन के हम 2 हिस्से ऐसे कर देंगे, यहाँ पे डंडा खींचेंगे री से री सी। ऐसे ए डी के लिए भी हम 2 हिस्से करेंगे, पहले एक ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे हम काट के ऊपर मिला देंगे। ऐसे ऐनक आ बनाएंगे, आराम से आपका ओ बन जाएगा। ओ से ओखली, औ से औरत। इसे भी आ बना के अंग से अंगूर, और ये है ना खाली। आपने देखा हमने इनके 2 2 हिस्से करे, पहले यहाँ पे फिर ये ऐसे अनार, आ से आम, छोटी से उन्नी, बड़ी से छोटा उसे उल्लू, बड़ा सुन, री से रीसी, ए से एडी, ऐसे अनप, ओ से ओखली, औसूरत, अंग से अंगूर, अनाकाली। आप अगर इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहीं भी जब लिखोगे तो आपका हाथ या आपके बच्चे का हाथ बहुत ही आराम से एक निश्चित जगह आके रुकने लगेगा, और आपकी लिखाई में बहुत ही सफाई आ जाएगी। अब हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। आ जो है एक डंडा होता है, उसके ऊपर ये आ का आ की मात्रा होगी। जैसे का 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 पे आ की मात्रा का मैं काम, छोटी पे पीछे से आगे की ओर मात्रा लगती है किसान, बड़ी पे आगे से पीछे वो लगती है जैसे द, हाँ पे बड़ी की मात्रा ही दही। ऐसे ही छोटे ऊ पे उल्टी तरफ को मात्रा लगती है पुल है पुल, बड़े ऊ पे आगे की ओर लगती है दूध है दूध। री री इस पे ये रा की आवाज़ हो जाएगी, का रा सा पे बड़ी की मात्रा सी कर सी, ए एक ए की मात्रा इस पे एक ही मात्रा लगेगी, सा पे एक मात्रा से ना बटा ना से ना, आई आई पे 2 मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा सा पे आई की मात्रा सैनिक है सैनिक, ओ पे डंडा खींच के 1 मात्रा लगेगी को या ल कोयल, ओ पे डंडा खींच के 2 मात्रा लगेगी को आ कोवा, अंग पे बिंद लग जाएगी पा ता, और ये अध ना की आवाज़ निकालते हैं पतंग, अनाकाली सो कह है शोक। ऐसे ही हम आपको रोज लिखने का और पढ़ने का रोज 5 मिनट का आपको वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और आप इसे लाइक और शेयर करें। इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।